नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। देश तीसरे चरण के रन के लिए तैयार है। सियासी दलों ने अपने हिस्से का प्रचार कर लिया, अब जनता की पारी है। कल यानी 7 मई को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। जनता तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान करेगी। इस चरण में 1,88,00,000 मतदाता 1,352 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय करने वाले हैं। तीसरे चरण में अमित शाह समेत 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कई अलग अलग सियासी दलों के कई दिग्गजों का भी फैसला जनता करेगी। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता पर पहुंच गया। आमजन के मुद्दे गौण हो गए। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहजादा, पीरजादा, हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण और पाकिस्तान पर पहुंच गया। अब देखना है कि तीसरे चरण में जनता किस मुद्दे पर अपना मतदान करती है। सात चरणों वाली 2024 की चुनावी जंग अब तीसरे चरण में पहुंच गई है। तीसरे चरण के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया। अब जनता की बारी है। जनता तीसरे चरण में 12 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को मतदान करेगी। इस चरण में 1,88,00,000 मतदाता 1,352 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तय करेंगे। सूरत में बीजेपी के निर्विरोध जीतने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से शेष 14 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 और गोवा की सभी 2 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दादा नगर हवेली तथा दमन और दीव की 2 सीटों पर भी तीसरे चरण में वोटिंग होगी। बता दें कि अनंतनाग राजौरी सीट पर होने वाला चुनाव अब छठे चरण के लिए टाल दिया गया है। तीसरे चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरे चरण के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, परशोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी और एसपी सिंह बघेल जैसे बड़े लोग शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई की किस्मत का फैसला भी तीसरे चरण में होगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्य भी इस चरण के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव की किस्मत को मतदाता इसी फेज में ईवीएम में बंद करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद भाभी के बीच सीधा मुकाबला है। तीसरे फेज के चुनाव के लिए सभी दलों ने जबरदस्त चुनावी प्रचार अभियान चलाया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी स्टार प्रचारक रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से हर कोई दंग है। प्रधानमंत्री हर रोज औसतन 3 या 4 जनसभा या रोड शो कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उन्होंने करीब 25 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन विपक्ष को अपने किसी न किसी बयान से घेर लेते हैं, जो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। दरअसल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 का चुनाव तीसरे चरण के प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता पर पहुंच चुका है। आमजन के मुद्दे गौण हो गए हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शहजादा, पीरजादा, हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण और पाकिस्तान पर पहुंच गया। पीएम मोदी तीसरे चरण में मुस्लिम आरक्षण से लेकर तुष्टिकरण के मुद्दे पर एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि एससी, एसटी और ओबीसी को लेकर जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, कांग्रेस उसे छीनकर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। तीसरे चरण की हर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक वो जिंदा है, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने नहीं देंगे। वहीं राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि देश के संविधान पर खतरा है और पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल देंगे।
और आरक्षण को खत्म कर देंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले पर ही एजेंडा सेट कर रहे हैं और हर चुनावी जनसभा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और इंडी गठबंधन वालों को आज भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गरीब मां का बेटा पीएम कैसे बन गया, और इसलिए ये लोग मोदी के खिलाफ नए नए झूठ फैलाते रहते हैं। आजकल इनका नया झूठ है, मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आएगा संविधान बदल देगा। अरे मूर्खों के सरदार, ये मोदी तो 10 साल से आया हुआ है भाई, ये 10 साल से प्रधानमंत्री है और शान से सरकार चला रहा है, और 10 साल में ये पाप मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं भारत के संविधान की भक्ति करता हूँ, मैं बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने वाले लोगों में से। इसके साथ ही कर्नाटक में जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के यौन शोषण का आरोप भी इसी चरण के प्रचार का मुद्दा रहा है। तीसरे चरण में सभी दलों ने अपने अपने मुद्दों को बड़ा बनाने के लिए जमकर विरोधियों पर हमला किया। अब देखना है कि तीसरे चरण में जनता किस मुद्दे पर अपना मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। क्या कहना प्रधानमंत्री जी को, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। और ये जो लोग कहते हैं उसे तो लोग मजाक बना देते हैं, इनको वोट भी नहीं देते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं दिन भर लोग हंसते रहते हैं, कोई सीरियसली ले लेता नहीं उनको, उनका उनका तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। लेकिन एक गारंटी की बात जरूर कर रहे थे बार बार, गारंटी कांग्रेस की गारंटी का ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ताजे उदाहरण दे देते हैं। अभी विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभारी थी प्रियंका गांधी, तब उन्होंने कहा था वो 50% टिकट महिलाओं को देंगे, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, वो 15% भी नहीं दे पाई। छोड़ दीजिए संगठन में भी 50%, क्या इनके 10% भी महिलाएं अध्यक्ष नहीं है पूरे हिंदुस्तान में 500 अध्यक्षों में। सीडब्ल्यूसी की बात करें तो उनकी जो कार्यकारिणी है उसमें भी 10% भी महिलाएं नहीं है और 50, तो ये तो इनकी गारंटी है। दूसरी गारंटी है 60 साल से देते रहे गरीब, गरीबों को हटा गरीब, जो गांधी जी का नारा था उन्होंने बोला तो किया, कुछ नहीं किया किसने। आज यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष ने ये बोला है कि हिंदुस्तान में गरीबी एकदम से घटी हुई है और एकदम से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए हैं, और ये नरेंद्र मोदी से दुनिया को सीखना चाहिए। राष्ट्र संघ कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कोई नेता नहीं कह रहा है। तो ये सामने आपके आंकड़े हैं, गारंटी जो देते हैं मोदी जी वो सामने है। शौचालय, चलिए ठीक है सर, ये आप यहाँ पर गारंटियों की बात कर रहे हैं विजय, अभी इन्होंने कही। मैं आऊंगी सर, वापस से भी आऊंगी, लेकिन एक और सवाल आपसे मेरा, उसके बाद मैं जाऊंगी दूसरे गेस्ट पर, क्योंकि आप जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि देश के संविधान पर खतरा है और पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने पीडीए फॉर्मूले पर ही एजेंडा सेट कर रहे हैं और हर चुनावी जनसभा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी सर। पहले चुनाव में भी इन्होंने लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की थी, तरह तरह से गुमराह करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए थे, ये फिर कर रहे। संविधान कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन खुद पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी ने खुद करीब करीब 90 से अधिक बार संशोधन किए, इतिहास है। और राष्ट्रपति शासन लगाने का उनका तो इतिहास है, मोदी जी ने तो 10 साल में कहीं नहीं लगाया। आपके सामने जो प्रमाण है उस पर आइए ना, रहा संशोधन का सवाल, तो हमने संशोधन इस तरह नहीं किए कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद साहब बानो की जो केस था ट्रिपल तलाक का शुरू में उसके अंदर जिस
जिसके अंदर राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में कानून पास किया था संविधान में संशोधन करके, तो वो तो इन छोटी छोटी चीजों में करते रहे और अब जनता को ये गुमराह कर रहे हैं कि हम आरक्षण बंद कर देंगे। उसकी मोदी जी ने एक लाइन में जवाब दिया, मेरे जीते जी आरक्षण बंद नहीं हो सकता। अब भगते रहो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी उनके खिलाफ आप, अब तो मोदी जी ने गारंटी दे दी और लोगों का विश्वास है। उन्होंने ये कहा हमारे जीते जी आरक्षण बंद नहीं होगा। अब आप बोलिएगा, जो बोलना है बोलते रहिएगा। क्या कहेंगे इसने आशीष वर्धन पांडे जी? नहीं होगा। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने जब सबसे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और आए थे सदन में, 15 लाख बोले नहीं था, वो भी आपका डाटा है। बोलो बोलिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए श्रीमान, बोलिए ना, बोल तो दिया। नहीं व्याकुलता आपकी बता रही है कि आपकी बात पूरी नहीं हुई, बोल लीजिए आप। नहीं नहीं आप अपनी बात रखें। स्नेहा शीष जी, तो दिक्कत ये है कि अपने आप को पार्टी का एक कार्यकर्ता बताते थे और पार्टी को माँ बताते थे और इन्होंने आज माँ से भी खुद को ऊपर बता के भाजपा की गारंटी नहीं मोदी की गारंटी पे आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 10 सालों में प्रधानमंत्री जी का एटीट्यूड कितना बदला है, बिहेवियर कितना बदला है, ये खुद दिख रहा है, आम कार्यकर्ताओं को भी दिख रहा है। आज खैरा जी भाजपा के प्रवक्ता है और बहुत बता रहे हैं जिस तरीके से कि मोदी की गारंटी। भैया क्लियर कीजिए ना कि भाजपा तो अब खत्म हो चुकी है, अब तो मोदी पार्टी है, यानी चुनाव आप लोग मोदी पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं। सीधे सीधे इन बातों को ही पहले बताइए, यानी पार्टी से बड़े चलिए ठीक है, मैं इस पर जल्दी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है सर, इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, इस पर प्रतिक्रिया। हम गारंटी इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रधानमंत्री का प्रत्याशी है। अब आप किस चीज की गारंटी देंगे? आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, न कांग्रेस का है, न आपके पास अपने संगठन का। आप क्या गारंटी देंगे? चेहरा है आप लोग, प्रधानमंत्री रहा है, गारंटी पूरी करता है, जिसने 5 साल जो गारंटी दी पूरी की, फिर 5 साल दी, फिर मोदी की गारंटी या ममता की गारंटी, जिसको जनता ज्यादा वोटों से जिताती है। और आपको क्या किया? 150 से लागे 100 पे पटक दिया, 55 पे पटक दिया, 48 पे पटक दिया, अपनी चर्चा की आपकी गारंटी सुनता कौन है? वो जो गारंटी दी आपने, हमने उदाहरण दे दिया, वो सब फेल हो गई। आप जवाब देते उन पर, आप जवाब देते प्रियंका गांधी ने क्या बोला था कि नहीं, आप जवाब देते कि गरीबी के ऊपर क्या बोला था कि नहीं, हमारी गारंटी पूरी करते हैं। नरेंद्र मोदी जो मोदी कहते हैं वो पूरा करते हैं, चाहे वो घुस के मारने की बात कहे तो घुस के मारते हैं, फिर वो जो बोलते हैं वो करते हैं। घुस के मारने पर ही बात हो रही है, पूंछ पे आपके नेता की तरह मजाक नहीं उड़ाते हैं। 9/11 करके मिल, 9/11 के मैं जो हुआ था बम्बई में, उसमें घर में आके आने लगे थे, घुस गए थे घर में, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया था, मनमोहन सिंह ने घर में आके घुस गए। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, पढ़ो जाके उनकी किताब में ओबामा ने लिखा कि हमने मनमोहन सिंह को चेता लिखा और वो लुक बैठ गए। अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी किताब में लिख रहा है। चलिए ठीक है सर, इस तरह की चर्चाओं का कोई अंत नहीं होता है डॉक्टर विजय खेरा जी और डॉक्टर आशीष वर्धन पांडे जी। ठीक है सर, मैं वापस से आऊँ। सच्ची बात करिए ना, मोदी जी की बात कर रहे थे ना, नेता पार्टी की छोड़ो, सच्ची बात करो। सवाल पूछिए, आप कहीं मोदी जी के आगे भागे, आपके पास कोई है ही नहीं, पूछो ना, बताऊंगा, पूछो। चलिए ठीक है, मैं वापस से आऊंगी सर। ठीक है सर, इस बहस को यहीं पर खत्म करिए, इस बहस को खत्म करिए। ठीक है भूपेंद्र कुमार जी, मैं आऊंगी सर, वापस से आऊंगी आप लोगों के पास, और भी गेस्ट हैं हमारे साथ, और भी गेस्ट हैं सर, उनसे भी चर्चा करने दीजिए। अरे उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने क्या किया। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात कम्प्लीट हो गई, बाकी लोगों को भी बुलाया है, उनको भी कम से कम कुछ बोलने दीजिए। ठीक है, वापस आऊंगी। भूपेंद्र कुमार जी,
मोदी ने आरोप लगाया कि एसटी एससी और ओबीसी को लेकर जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है कांग्रेस उसे छीनकर उसको धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है। तीसरे चरण की हर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने नहीं देंगे। क्या इन बातों का चुनावी लाभ बीजेपी को और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए ये मोदी जी का काउंटर है। मैंने पहले भी बोला कि जो संचार उनका जो मुद्दों को जिस तरह से पेश करते हैं जनता के बीच में वो जनसंचार करते हैं वो अद्भुत करते हैं। देखिए आरक्षण की जो बात है कांग्रेस कहती है कि आरक्षण बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन आरक्षण वास्तविकता ये है कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। उसका उन्होंने दूसरा हिंदू वोट को एक यूनाइटेड करने के लिए उन्होंने मुस्लिम कैंग्रेस से एक राजनीति है कि क्योंकि ये मुस्लिम को आरक्षण देना चाहते हैं इस तरह से ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्होंने किस पहलू से इसको डाइवर्ट कर दिया और हिंदू मुस्लिम ना करके उन्होंने हिंदू वोट को एक जगह कलेक्टेड वोट बना दिया। ये उनकी खूबी है। दूसरी बात 14 से अगर आप इलेक्शन देखें मोदी जी का तो मोदी जी को जो भी टारगेट बनाता है या मोदी जी के स्टेटमेंट पे या मोदी जी को टारगेट स्पेसिफिक बनाता है तो मैंने देखा है कि अगर आप इसकी स्टडी करें तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को नुकसान ही होता है क्योंकि वो उनका जो कम्युनिकेशन का और जो मास कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो दूसरी तरीके से वो डाइल्यूट कर देते हैं और दूसरी तरह से उसको आप फेस नहीं कर सकते। आज जो आरक्षण की जो बात है आरक्षण को भी देखिए उन्होंने क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया उसको जो कि कांग्रेस हमेशा करती रही उसी दोहराए पे उन्होंने ला दिया कि वो मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये कलेक्टिव वोट हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जो कांग्रेस जो मेहनत करती है वो उस मेहनत के फिर से उसका दुष्परिणाम हो जाता है। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस आज अभी तक जो तीसरे चरण का कल चुनाव है तो अभी तक उसने स्टेटमेंट पर काफी कुछ कोताही नहीं बरती और काफी सतर्कता बरती है जिसके कारण उसने स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिए जिससे काफी कुछ लपका जा सके और जो बीजेपी हमेशा अन्य चुनाव में करती रही और उनको डाइवर्ट करती रही इस पे उन्होंने विशेष फोकस भी रखा और थोड़ी सतर्कता भी रखी। आगे जाके अगर उसी स्ट्रेटेजी पे रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। लेकिन ये चुनाव जो लोकसभा का है जो बीजेपी है बीजेपी निश्चित रूप से मोदी जी के 10 साल के कामों को बता रही है। मोदी जी जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बताते हैं अपने कामों को बताते हैं और जनता को संबोधित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बीच में कांग्रेस भी अपने हिसाब से जो स्ट्रेटेजी कर रही है और वो संविधान या देश बचाओ इस तरह से उन्होंने जो नारे दिए हैं अब वो जनता की टेस्टेबिलिटी कहाँ पे है बात यहाँ पे है कि जनता किस नेता का विश्वास करती है और जो जिस पर विश्वास करेगी उसी का मतदान करेगी और वही विजयी घोषित होगा। तो टेस्टेबिलिटी अब उन्होंने बहुत सी बातें कही है मोदी जी के अगेंस्ट मोदी जी ने इनके अगेंस्ट कही है लेकिन परिणाम जो आए हैं कि तो जो विश्वास अभी तक जो लोकसभा के चुनाव में आया है वो मोदी जी के पक्ष में आया है। तो इसलिए और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि दो चरणों में जो मतदान का प्रतिशत जो भी घटा है उसके प्रति भी इन पार्टियों को सजग होना चाहिए और अपने अपने मतदाता और लोकतंत्र की बहाली के लिए निश्चित रूप से लाना चाहिए। ये इशू तो हम जो 14 से हैं या फिर 43 से आजाद हुए हैं हम लोग हमेशा प्रवक्ता लोग उस तरह से रख देते हैं लेकिन निश्चित रूप से जो विकास के मुद्दे होते हैं आम जनता के मुद्दे होते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं और जिसपे हम बहस करना चाहते हैं वो कभी बहस नहीं हो पाती और ना ही वो परिणाम में बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि इस बार जिस तरीके से जो मुद्दे मंचों से उठाए जा रहे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जनता से कोई सरोकार ही नहीं है जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतुल यादव जी इस पर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। जी देखिए ऐसे त्यागी जी जो अभी हमारे साथी प्रवक्तागणों ने एक बात कही आरक्षण के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर कहा जा रहा है कि हम आरक्षण को मेरे जीते जी खत्म नहीं होगा तो इससे गंभीर बात ये आती है कि ऐसा जवाब क्यों देना पड़ रहा सफाई क्यों देनी पड़ रही इससे कोई क्यों प्रश्न क्यों नहीं करता। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में या कहीं ना कहीं इनके सांसदों के द्वारा कहीं ना कहीं ये बात उठाई गई और बात उठी इनकी तरफ से तभी सफाई देनी पड़ रही है। ये महत्वपूर्ण जनता इस बात को भली भांति जानती है देश की जनता भली भांति जानती है
अनुसूचित जाति अमित शाह का जो वीडियो है वो किस तरीके से वायरल किया गया और वो एडिटेड वीडियो था, ये भी इस बात को सब जानते हैं, तभी सफाई देनी पड़ रही है ना। सांसद जो इनके सांसद के द्वारा एक दक्षिण भारत के मतलब ये बोला गया, आपका चैनल बड़ा चैनल है, आपने भी देखा इस चीज को, मैं वो वायरल वाले के बाद में आ ही नहीं रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि सफाई क्यों देनी पड़ रही है। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देश का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और तीसरे चरण का कल मतदान होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से जो बातें गायब हैं, बेरोजगारी यानी कि दो करोड़ रोजगारों को मतलब युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही गई थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी भी रैली या कहीं पे भी नहीं बोला जा रहा है। महंगाई अपने चरम पर है, महंगाई को कम करने की बात कहीं नहीं करी जा रही है। और रही बात सिलेंडर जो महंगा हुआ, भले चुनाव के समय 100 रुपए कर दे दिखावे के लिए, लेकिन आप एक चीज देखें, डीजल पेट्रोल कितनी ऊंचाई कितना महंगा है, आप सोच सकते हैं किसानों के द्वारा। तो सर सर एक बात बताइए, ठीक है, आप तमाम बातें कह रहे हैं अतुल यादव जी, ये जो मुद्दे आप यहाँ पर उठा रहे हैं, इन मुद्दों को अखिलेश यादव मंचों से उठाते हुए क्यों नजर नहीं आते? एक दिन में प्रधानमंत्री 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत पीछे हैं। आप लोग अगर आएंगे, रैलियां करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो जनता आपको भी सुनेगी। जी मैं बोलूं? जी बोलिए। देखिए, हर पार्टी के पास अपने संसाधन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक हमसे तो मतलब कई राज्यों में उनकी सरकार है, हम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हैं, तो हम अपने राज्य को हम जो है उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, 2 से 3 रैलियां प्रतिदिन कर रहे हैं और लगातार बातों को उठा रहे हैं, जनता के बीच बातों को ले जा रहे हैं। हमारे अन्य नेतागण भी लगे हुए हैं और लगातार लगे हुए हैं, तो हम अपने संसाधनों पर अपने हिसाब से चलेंगे। हम जो है अपने संसाधनों पर तो चलेंगे ना, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हमारे नेता जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार रैलियां कर रहे हैं और आपका चैनल भी कवर कर रहा है, सभी चैनल कवर कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इस पे, तो ऐसा हो जाता है कि देखिए अपने संसाधनों पे अपने हिसाब से चला जाता है, किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। हम अपने हिसाब से चल रहे हैं और हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा चल रहे हैं। और कम से कम इस बार आपने मीडिया पर आरोप नहीं लगाया, वरना आप लोग तो बड़े आराम से कह देते हैं कि अखिलेश यादव जी तो रैलियां दिन में 5-5 कर रहे हैं लेकिन मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए मैं कहूँगा जो स्पेस हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत मिलता है, हम ये नहीं कहेंगे। देखिए, अब क्यों मैं मीडिया पे आक्षेप लगाता रहूं, मीडिया ये स्पेस हमें देगा और भविष्य में अच्छा स्पेस देगा। हम जनता के बीच लड़ रहे हैं ना, जिसको भी दिया जा रहा है, मैं उस पर नहीं कह रहा क्यों दिया जा रहा है, किस दिया जा रहा है, इस पर मैं डिबेट पे फालतू फंड की बातों पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि डिबेट महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब रही बात जो हम ठीक है सर, डिबेट महत्वपूर्ण होनी चाहिए और इसी तरीके से मैं वापस आऊंगी डिबेट महत्वपूर्ण होनी चाहिए और इसी तरीके से जो मुद्दे हैं चुनावों में वो भी महत्वपूर्ण होने चाहिए भूपेंद्र कुमार जी, क्योंकि देखिए तीसरे चरण में पहली बार हमने वोटों का जिहाद भी सुना। वोटों का जिहाद की बात शायद आपने भी पहले कभी नहीं सुनी होगी। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि बहुत खामोशी के साथ एक होकर वोटों का जिहाद करो जिससे इस संघी सरकार को भगा सके। उन्होंने कहा कि आज उन्हें शर्म आती है जब ये सुनने को मिलता है कि कुछ मुसलमानों ने बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई, ऐसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इस बार के चुनावों में जो बातें मंचों से कही जा रही हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसका क्या तो पार्टियों पर असर पड़ सकता है और क्या जनता के मूड पर असर पड़ सकता है? इसके लिए आपने मेरे से कुछ पूछा? भूपेंद्र जी से सवाल है सर। जी, देखिए क्या है कि जो बीजेपी जो चुनाव की रणनीति बना रही है वो उसको माना जाता है कि दक्षिणपंथी पार्टी है, ये हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास इस तरह से नारे देके और महिलाओं अल्पसंख्यकों के लिए और खासतौर से ट्रिपल तलाक और जो संशोधन उन्होंने लाए हैं जिससे उन्होंने अल्पसंख्यकों का दिल जीता है और जिसके कारण क्या है कि उनका जो पहले जो यूनाइटेड वोट होता था
कहते पसमांदा मुसलमानों की बात करते हैं मोदी जी, तो वो एक डिवीजन वो किया, एक पढ़े लिखे को वहाँ 370 कदम किया, तो वहाँ पे उन्होंने विकसित कश्मीर और उसके बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही, तो जिसके कारण जो पढ़ा लिखा तबका है और जो जो मतलब आप कहें नरमपंथी जो मुसलमान है जो कि भारत के प्रति और एकता अखंडता और अखंड भारत के प्रति कृतज्ञता दर्शाता है, वो सपोर्ट को वो मोदी जी अपने साथ लाना चाहते हैं, जिसके कारण जो चरमपंथी लोग हैं जो कि मुस्लिम समुदाय में है जो नेता, वो कह रहे हैं कि हमारा जो वोट था और जो हमारा वोट एक कमिटमेंट वोट था कि हम लोग एक रात को घोषणा करते थे और वो पार्टी के में वोट चला जाता था, और जिसके कारण उन लोगों को एकजुट वोट में नहीं दिख रही है, इसके कारण ये इस्लामीकरण को करके और धर्म की आड़ में जिहाद, जो जिहाद होता है एक एक जिहाद का शब्द ही का मीनिंग है कि एक समुदाय के प्रति धर्म के प्रति लड़ना, तो उन्होंने कहा कि ये सत्ता रूपी बात है और जिसके कारण ये संघीय सत्ता जो मोदी जी हैं उनके प्रति एक जिहाद खेल लिया। अच्छा अभी अभी आपने जिक्र किया यहाँ पढ़े लिखे तबके की बात की, तो कुलपतियों का जो मुद्दा है वो भी राहुल गांधी मंचों से उठा रहे हैं, विजय खेरा जी मंच से देश की जनता तक कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और इसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर भी आरोप लगाए और कहा कि आरएसएस के लोगों को ही भरा जा रहा है, खासतौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर ही फैसला हो रहा है। जी को एबीसीडी का पता ही नहीं सर, आपसे सवाल नहीं है मेरा, विजय खेरा जी से। जी क्या बोल रहा है राहुल जी, क्यों बोल रहे हैं इनके बाद उन्हें पता ही नहीं, इनके जमाने में कांग्रेस के जमाने में कभी भी वाइस चांसलर के लिए न एप्लीकेशन मंगवाई जाती थी न बायोडेटा मंगवाए जाते थे, आज शाम को आया गवर्नर साहब ने इनका ओके कर दिया, सीएम ने कह दिया सवेरे वो वाइस चांसलर बन गया, एनीबडी अब क्या ओपनली एडवर्टाइज होता है अब वाइस चांसलर का भी पोजीशन के लिए और फिर लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद सिलेक्शन होता है, पहली बात ये। इन्होंने तो क्या किया था, कहां तक बोलूंगा इतने कम समय में, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को इन्होंने तीन तीन जजेस को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी ने बना दिया था, रेलवे चेयरमैन को गांगुली को हटा के जूनियर मोस्ट को बना दिया था, सबने इस्तीफा दिया, तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इस्तीफा दिया, इनकी तो इंतहा है जुल्म की, लेकिन हम तो करते ही ओपनली पहले एडवर्टाइज करके उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसमें सीएम का भी कैंडिडेट होता है, गवर्नर का भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठता है, सब लोग तीन लोग बैठे, एक जज भी बैठता है, ये तो हम पर्सनली उठा ही नहीं सकते, इनके जमाने की बात, और अब हाईकोर्ट का जज भी उसमें बैठता है, शायद राहुल गांधी को सब चीजें कुछ पता नहीं, उनको जो बता देते हैं वो आगे बोल देते हैं। मुस्लिम आरक्षण की बात इन्होंने सबसे पहले की है, उन्होंने ही सबसे पहले ये बोला है कि हम आएंगे द्वारा भाजपा आएगी तो हम सारे आरक्षण बंद कर देंगे एससी एसटी के, ये सफेद झूठ बोला, इसलिए बताया है जनता को क्लियर करने के लिए कि गुमराह कर रहे हैं, सच ये है, तो बाकी बातें अभी ये बोलते रहते हैं यहाँ पर, अरे जाओ ना जनता के पास, हमसे क्यों कह रहे हो महंगाई है, तो जाओ ना तुम, जनता तुम्हें जवाब दे देगी या हमको दे देगी अगर है तो, जनता मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए डॉक्टर विजय खेरा जी, ये माना जाए कुल मिलाकर कि राहुल गांधी को जो सलाह देने वाले सलाहकार है वो ठीक नहीं है, मैं जवाब लेना चाहूंगी इस पर डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, उसी अंबानी की बात करते हैं जिसको उन्होंने दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी दी थी सबसे पहले, शीला दीक्षित ने सबसे पहले आपने शुरुआत, ठीक है पांडे जी जवाब दे दीजिए इस पर, स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, मतलब अब तो राहुल के खिलाफ कुलपति भी मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे समय में इस तरह के बयानों को देना क्या मतलब है सर? पता नहीं खेरा जी ने कितना खेरा जी नहीं आइए ना सामने को लेके, लेकिन निश्चित तौर पे इन्हें नहीं मालूम है क्योंकि जानकारी इन लोगों की दुरुस्त होती नहीं है, पता नहीं किस अरे आपको एबीसीडी नहीं पता, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके सबसे कह रहा हूँ, मैं मुझे बात बता रहे हैं आप, मैं तो इसी मेंबर रहा हूँ, छह साल चार साल पहले भी रहा हूँ। अरे सर आप एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आप दोनों ही इतने पढ़े लिखे हैं, दोनों ने पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे, तो इतना तो कम से कम धैर्य रखिए, बिल्कुल आप दोनों ही पढ़े लिखे हैं, किस तरह की बातें आप लोग करते हैं, धैर्य से बात करें ना, एक एक करके जवाब दीजिए। अरे हम झूठ बोल रहे हैं वाइस चांसलर के सिलेक्शन पर,
सफेद सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप कर रहे हैं एक चीज बोल रहे हैं आपको नहीं मालूम है। अरे 19 बार सुप्रीम कोर्ट से हार के चले आए राहुल गांधी, अदानी पे भी हारे थे, जमानत पर है और आप देख रहे हैं कि हम कर रहे भाई शासक की नियुक्ति एक भी आईएएस अफसर हमने अपॉइंट नहीं किया। अच्छा सर उनकी बात को सुन लीजिए, विजय खेरा जी संक्षेप में उनकी बात को सुन लीजिए, उनकी बात को एक बार सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। समय कम है सर, ऐसे ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगी। कंप्लीट कीजिए सर जल्दी से एक लाइन में। स्नेहा शीश जी अरे सर आप लोग ऐसे ऐसे लड़ने में पूरा वक्त बिता देंगे सर, पूरा लड़ने में वक्त बिता देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए ना। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी समय नहीं है, समय नहीं है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।